धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे आपको हमें ये बताना है कि धीरे धीरे एकदम बेसिक से हाई लेवल तक कि हम आपको अलजेब्रा का ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही आसानी से आप सीखने वाले हैं। अलजेब्रा में कुछ भी आज तक आपको नहीं आया होगा ना, फिर भी आपको आएगा। आप ऐसे सीखोगे कि आने वाला 3 पीढ़ी तक को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कहीं कोचिंग ट्यूशन करके, क्योंकि आप इतने अच्छे इसको सीखने वाले हैं कि आपको खुद लगेगा कि आप खुद एक टीचर हो, खुद एक मास्टर हो। आने वाला पीढ़ी अपने आप सीख जाएगा जिसे आप सिखा पाओगे। तो चलिए, इसलिए मैंने कहा है कि आने वाला 3 पीढ़ी को याद रहेगा अलजेब्रा का ये क्लास। दोस्तों, जब बात ऐसी है तो मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना कहाँ से है, इसलिए घबराइएगा नहीं। बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ बताते हुए हम चलेंगे, और जो हम आपको बताएंगे हो सकता है कि आपको आता भी होगा, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कन्फ्यूज होते होंगे, भूल जाते होंगे, उसे बड़े तरीके से आप याद रख सकते हो। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जब अलजेब्रा का बात हुआ है दोस्तों, तो बिना ए प्लस बी के होल स्क्वायर के कुछ होता ही नहीं है। बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप चिंता मत कीजिएगा। वो ट्रिक जो आपको आता है वो हमको भी आता है, हमको पता है कि आपको ये वाला आता है एक्स प्लस वन बट्टा एक्स बराबर पाँच, तो झट से आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटा लेंगे 23। इस सब वाला हम आपको बताएंगे, लेकिन आप कितना बार इसमें गलती करिएगा वो आप देखिए इस वीडियो में। बहुत गलती करवाएंगे हम आज आपसे। आइए थोड़ा सा इसको हम मिटा लें और फिर हम आपसे बात करें कि हम चलेंगे सब कुछ बताते हुए। तो बड़ा शुरुआत का चीज़ है, लोग इस ट्रिक का यूज़ करते हैं और आप कई बार करते होंगे, और कुछ सवाल में आपको मिस्टेक हो जाता है, प्लस कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा। कुछ सवाल तो ऐसा लगेगा कि प्लस माइनस करके बनाना है, 2 जोड़ना है या 2 घटाना है, लेकिन उसमें से कोई काम नहीं रहता है। तो भागिएगा नहीं, अगर आपको सीखना है, ये पहला वीडियो है, पूरा सीरीज देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला इसलिए इसको बनाया गया है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में है तो उसको थोड़ा शॉर्ट रूप करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 2 गुना 5 प्लस 5 × 4 लिखा हुआ है, तो बस आपको समझ जाना है कि ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इस पूरे को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर कर देंगे उतना ही होगा ये। जैसे 5 × 4 = 9, 9 का स्क्वायर 81 होगा। चाहो तो आप इस पूरे को काम करके देखो, ये 81 ही होगा। अब देखिए, हम इतना आसानी से ये 5 प्लस 4 = 9, 9 का स्क्वायर कर लिए, 81 हो गया। कैसे समझे? क्योंकि हमको ये पता था कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। अब इसको मैंने, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को छोटा करने के लिए कुछ फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है गणित में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये बताइए ना, देखिए ना, 5 के स्क्वायर 25 होता है ना, 4 के स्क्वायर 16 होता है ना, ये 2 गुना 5 × 20, 20 दुना यहाँ कितना हो गया, 40 हो गया। अब सबको जोड़िए, 25 16 कितना हो जाता है, 41, आइए 40 जोड़ेंगे तो 81 हुआ ना। तो काम ऐसे करते, या ये हो गया, ये बी हो गया, आपको पता है प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 5 प्लस 4 = 9, 9 के स्क्वायर 81 हो गया। अब आ जाइए, अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि आप बचपन से जब पढ़े ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप रट गए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एक बात और, कुछ लोग तो आज तक कन्फ्यूज है उस, मतलब पता नहीं उसके दिमाग में ये लॉक हो गया है कि 2ab उधरे रहेगा तो सही, ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है, ये भी वही बात है। प्लस में आगे पीछे कोई कहीं लिखा गया है उससे कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर 5 प्लस 3 है, चाहे 3 प्लस 5 है, बात तो एक ही है, दोनों 8 ही होगा। तो जब प्लस प्लस है तो आगे पीछे होने से कोई दिक्कत ना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, उसी तरह अगर a प्लस 1 बट्टा a का होल स्क्वायर हम करें, तो
इसमें भी कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दो चीज में से पहला को ए दूसरा को बी बोला गया, ये ए है और ये बी है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/a² प्लस 2ab, जैसे 2 है फॉर्मूला में 2 है, a का मतलब a है, अब b का मतलब 1/a है। अब देखिए ये क्या हो गया, a स्क्वायर हुआ प्लस 1 का स्क्वायर 1, जबकि a का स्क्वायर a स्क्वायर, अच्छा ये दोनों का स्क्वायर है, 1 का भी और 1 का भी, प्लस ये a से a कट जाएगा क्योंकि नीचे में ऊपर में है 2, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 होता है। उसी तरह हम अगर कहें कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो जैसे ये है वैसा यहाँ आया था, यानी यहाँ भी हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 2 आ जाएगा। यही बात है ना दोस्तों, जानते हैं वो जो ट्रिक बनता है ना, इसी का यूज किया जाता है और कोई बात नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे ये प्लस 2 प्लस माइनस 2 करने वाला जो इस सिस्टम बना है, इसी से बना है। ये फॉर्मूले को थोड़ा सा एक लाइन गायब करके लिख दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने लिखा x प्लस 1/x = 5। अच्छा आप लोग हड़बड़ाएल नहीं ना है बहुत ज़्यादा सीखने के चक्कर में, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, बड़ा बेसिक से शुरू किए हैं, इसलिए शुरू किए हैं ना कि कोई भी व्यक्ति इसे देखे तो उसे पूरा समझ में आ जाए। ऐसे ही नहीं बोले हैं कि 3 पीढ़ी तक याद रहेगा, आप पूरा देखिएगा, हाई लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा सीरीज चलेगा हमारा, उसके बाद टेस्टो होगा, अब 5000 रुपया कैश प्राइज जो जीतिएगा, सीधा बात ना है। देखिए अब कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, एक्स प्लस 1/x = 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो ट्रिक है जो आपको याद होगा, 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटेगा 23। ये हुआ क्या है, हम सोच रहे कि ये स्क्वायर वाला सिस्टम कहाँ से आएगा, जब इसको स्क्वायर कर लिया जाए, अब इसको स्क्वायर करिए, अन्य तो आप ही सोचिए कि अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, हमें आएगा a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर, मतलब इतना का स्क्वायर यही होगा, अब प्लस 2ab, 2a b, 2 फार्मूला वाला a आई b हो गया, b के जगह 1/x। अच्छा देखिए आपको पता है x प्लस 1/x का वैल्यू 5, तो हम यहाँ रख लिए 5, ये 5 का स्क्वायर, ये हमारा निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, और एक से x कट गया तब बचा हमारा प्लस 2, ये प्लस 2 आकर घटेगा क्योंकि ये 25 है, उधर प्लस 2 इधर आया तब माइनस 2, याद रखिएगा यही प्लस 2 इधर आके घट जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है, यानी अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो 2 घटाना है, और यहाँ माइनस दिया हुआ है तो 2 जोड़ना है, यही करते हैं कहाँ से, क्योंकि ये जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होता है, इसलिए इधर आकर माइनस 2 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 25 में से 2 गया तो कितना हुआ 23, ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। ठीक है अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि यह चीज आपको पहले भी आता रहा होगा और मैंने अभी बता भी दिया, नहीं आता रहा होगा तो आप सीख गए होंगे। चलिए एक बात बताते हैं, अभी हम लिखेंगे आप गलती कर दीजिएगा, देखिएगा आप कैसे गलत करिएगा, हम अगर लिख दे एक्स प्लस 1/, चलिए हम माइनस दे देते हैं, एक्स माइनस 1/x = 7, तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या होगा। आप हो सके तो इस वीडियो को रोककर आप जवाब जरूर दीजिएगा, उसके बाद मेरा सलूशन देखिएगा। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने ऐसा किया होगा, 7 के स्क्वायर किया होगा, माइनस है तो यहाँ 2 जोड़ लिया होगा, तो 49 + 2 आपका कितना हो गया 51, जबकि ये गलत है आपका, अगर आपने ये जवाब दिया है तो गलत है आपका, गलत काहे हो गया से सुनिए, आपने क्या किया है पता है, आपने किया होगा इसका स्क्वायर, तो बताइए जरा 1x - 1/x का होल स्क्वायर करें, इधर 7 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, ये क्या आने वाला है जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा, अब माइनस 2ab होगा, अब बराबर 7 के स्क्वायर 49 होगा। आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², आई देखिए एक्स एक्स कट गया तो माइनस 2 बराबर हुआ 49, माइनस 2 जाकर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 जाकर जुड़ गया तो 51, पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 51 हुआ, हमने यहाँ माइनस लिखा है,
ना समझ में आ रहा है, जानबूझ के हमने लिखा था आपसे गलती करवाने के लिए। यहां देखिए माइनस है, अभी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला आप सीखिएगा तब ही सवाल बना पाइएगा। ऐसा सवाल आता है लोग गलत करके या तो कभी 51 लिख लेते हैं या कभी 7 के स्क्वायर 49 करके 2 घटा लेते हैं, गलती करते हैं। अब सुनिए जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ माइनस नहीं होता है, आपको याद है। चलिए देखिए, आप कहेंगे कि न न न न न एह, आपको इतना बात पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना बात आप सबको पता है। आ a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ही बी स्क्वायर होता है, आ माइनस 2ab होता है, 2ab वाला में खाली माइनस होता है, इस दोनों में ही समान चीज रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे। एवं नस नस को एकदम पकड़िए गणित के। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस सवाल वैसे कब बनता जब यहां पर रहता प्लस, क्योंकि मैंने अभी बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो आप समझ गए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिखा आप समझ गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। दोस्तों प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस ए रहना चाहिए तब दो घटाने या दो जोड़ने वाला ट्रिक लगेगा, या तो दो जुड़ेगा या तो दो घटेगा, लेकिन सवाल में जब पूछेगा तो यहाँ प्लस रहना ही चाहिए। अब आप कहेंगे माइनस रहेगा तब, माइनस रहेगा तो बताएंगे, आप भागिएगा नहीं, केवल बार बार कहते हैं, क्योंकि देखिए दोनों में प्लस ही है। अब यहाँ सॉरी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां प्लस रहेगा, लेकिन ये दोनों चीज प्लस है दोनों में। अब ध्यान दीजिए, अब मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा, क्योंकि यहां अगर प्लस रहता तो ये माइनस है ना, तो 7 के स्क्वायर यहां प्लस हर हाल में होना चाहिए, आ यहां देखना है माइनस है कि प्लस, अगर माइनस है तो यहां पर 2 जोड़ देना है, 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए, 49 प्लस 2 हो गया हमारा 51 आंसर। यही सवाल में अगर यहाँ प्लस रहता तो 7 का स्क्वायर करना है, अब प्लस है तो 2 घटा देना है, उल्टा काम करना है, 49 में से 2 जाता 47, लेकिन हर स्थिति में यहाँ प्लस ही रहता, क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया है अगर ये माइनस है। अब देखिए इतना का वैल्यू निकलना है, अगर इसका स्क्वायर कर लेते हैं x माइनस 1/x का इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और माइनस 2ab आ जाएगा, बराबर ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, एक्स एक्स कट गया, अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और 2 जाकर उधर जुड़ गया तो 51 हुआ ना। तो दोस्तों यहाँ प्लस रहना चाहिए, इसलिए देखिए प्लस में करके वैल्यू आया है, अगर माइनस में रहेगा तब बात बदल जाएगा। उस बात के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा ये चलिए अब हम सीखते हैं उसको। हर एक अदा पे प्यार आया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कभी a प्लस 1/a बराबर x हो तो जरा ध्यान दीजिएगा a माइनस 1/a का वैल्यू, जैसे ये चीज प्लस में हो और इसका माइनस में पूछ ले तो रूट अंडर यहाँ जो वैल्यू दिया उसका स्क्वायर माइनस में लाना है तो केवल -4, आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है तब उधर हम घुमाते हैं आपको लेकर। उसी तरह अगर a माइनस 1/a बराबर x है तो सुन लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जा रहा हो a प्लस 1/a का मान तो लिखिएगा रूट अंडर यहाँ x दिया है उसका स्क्वायर करना है, अब प्लस में दिया है तब +4 करना है। कुछ न रे भाई सुनो सुनो, प्लस में दिया और माइनस में निकालना हो तो x² -4, x क्या है जो इसका वैल्यू दिया है वही x है, a माइनस 1/a दिया है अगर माइनस में पता है प्लस में लाना है तो यहाँ +4 करना है, प्लस में पता है माइनस में लाना है तो -4 करना है, प्लस में लाना है तो +4 और माइनस में लाना है तो -4, न याद रहेगा, रहेगा याद। अब सुनिए देखिए, अगर मान लीजिए आपको a प्लस 1/a की वैल्यू हमने दिया 5
और आपसे पूछा कि a माइनस वन बट्टा ए का मान बताइए, कुछ ना करिए रूट अंडर लगाइए, अब पाँच का स्क्वायर करिए। अब देखिए माइनस में लाना है तो माइनस फोर, पाँच के स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस में से चार गया तो इक्कीस, यही हो गया रूट अंडर इक्कीस। अब रुक जाइएगा रुक जाइएगा, अगर आपको a प्लस सॉरी इस बार a माइनस वन बट्टा ए बराबर सात और आपसे पूछे कि a प्लस वन बट्टा ए का मान क्या होगा, तो आपको करना है रूट अंडर, और जो दिया उसका स्क्वायर है, प्लस वाला का वैल्यू दिया, माइनस वाला का दिया है, प्लस वाला का पूछा है, प्लस वाला का लाना है तो प्लस फोर, माइनस वाला का लाना है तो माइनस फोर। ये 49 में चार जुड़ गया, कितना हो गया तिरपन, नौ चार तेरह यानी तिरपन हो गया, ये हमारा इसका आंसर। अब देखिए आपको अगर ये बात पता हो गया ना तो आप कितना बात पता कर लीजिएगा। देखिए अब उस पर लेके हम आपको चलते हैं, मिस्टेक ना। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन हमने दिया यदि यदि a प्लस वन बट्टा ए बराबर दे दिया पाँच, तो आपसे पूछ लिया ए स्क्वायर माइनस वन बट्टा ए स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता है एक बात, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो हम इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। इस फार्मूला को आपको याद रखना है जो आप बचपन से जानते होंगे, आप जानते होंगे। जैसे समझ लीजिए कि अगर पाँच के स्क्वायर और माइनस तीन के स्क्वायर है तो रियल में पच्चीस में से नौ जा रहा है, सोलह आ रहा है, या ऐसे भी आ सकता है जब दोनों को जोड़िएगा पाँच आ तीन आठ, अब ब्रैकेट मतलब गुना, अब पाँच में से तीन घटाइए, क्योंकि देखिए एक बार ऐसे सीखिए, अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पाँच माइनस तीन, तब पाँच आ तीन आठ, आ पाँच में से तीन गया दो, आठ दूना सोलह हुआ कि नहीं, यही चीज़ ना हुआ। तो सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, तो उसी तरह ए स्क्वायर माइनस वन बट्टा ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर माइनस वन बट्टा ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर फिर एक के रहेगा। अब ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर है, मतलब एक बार जोड़ के एक बार घटा के ए प्लस वन बट्टा ए इंटू ए माइनस वन बट्टा ए ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, इसको ए स्क्वायर और इसको माइनस वन बट्टा बी स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको दोनों को एक बार जोड़कर लिखा जाएगा और एक बार घटा के लिखा जाएगा पक्का। अब आपको a प्लस वन बट्टा ए का वैल्यू पता है पांच, यहां रख लीजिए पांच, आ a माइनस वन बट्टा ए का मान आपको चाहिए, समझे सुनिए। तो जब प्लस वाला का वैल्यू पता माइनस वाला का लाना है, a प्लस वन बट्टा ए का वैल्यू पता है a माइनस वन बट्टा ए का लाना है, तो रूट अंडर मैंने अभी बोला पांच का स्क्वायर आ माइनस है तब माइनस में लाना है तो माइनस फोर, पच्चीस में से चार गया यहाँ इक्कीस, बस इसके जगह रख देना है रूट अंडर इक्कीस, गुना होकर हो गया पांच रूट इक्कीस, ये सही आंसर है इस सवाल का। ऐसा नहीं कर देना है कि केवल देखो एग्जाम में जब आएगा ना तो दिमाग ही नहीं तुमको काम करेगा, आप तो ट्रिक रट ले हैं डायरेक्ट में, आप समझे मुझे तो कुछ है नहीं, सीधा आप ट्रिक रट के गए हैं, आप रट के गए हैं ए प्लस वन बट्टा ए बराबर पांच बुझौत और उन्हें स्क्वायर दिखते रे भाई, तो पांच के स्क्वायर पच्चीस में से दो घटा दो ना तो दो जोड़ दो, यही करोगे तो कभी सत्ताईस लाओगे या कभी तेईस लाओगे, आप सत्ताईसों देगा ऑप्शन में, तेईसों देगा ऑप्शन में, आप पाँच रूट इक्कीसों रहेगा, नन भी रह सकता है, तो आपको देख के मरना है। इधर प्लस रहेगा तभी वो काम करिएगा दो जोड़ने या दो घटाने वाला, दो जोड़ना या दो घटाना इधर वाला चिन्ह पर निर्भर करता है, अगर प्लस है तो दो घटेगा, माइनस है तो दो जुटेगा, लेकिन वैसे सवाल में यहाँ प्लस होना 100% जरूरी है, ठीक है। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए x माइनस वन बट्टा एक्स बराबर सात है तो आपसे पूछ ले x स्क्वायर माइनस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का मान क्या, आपको समझ जाना है जैसे ही x स्क्वायर माइनस वन बट्टा एक्स स्क्वायर है मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको तो हम x प्लस वन बट्टा एक्स और एक बार x माइनस वन बट्टा एक्स लिखेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक का वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू हमको पता है सात, और इधर वाला का वैल्यू न पता है, तो x माइनस वन बट्टा एक्स का वैल्यू सात,
तो x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू रे भाई इस सात का स्क्वायर अब प्लस में है तब प्लस फोर उनचास चार हो गया तिरपन यानी यहाँ रूट अंडर तिरपन आया तो सात रूट तिरपन आंसर हो गया। अब आप चाहोगे तो ऐसे सवाल मुहजवानी बना दोगे। देखिएगा दोस्तों बस एक एक छोटा छोटा केवल चिन्ह थोड़ा सा बदल देने से सवाल का कैसे टाइप बदल जाता है। मान लीजिए इसके जगह हम प्लस कर दिए ठीक है या चलो इसको हम माइनस रखते हैं इसको माइनस ही रहने देते हैं यहाँ हम प्लस कर लेते हैं तब क्या है तब कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ जब प्लस आ गया तब तरे भाई यहाँ प्लस अगर आ गया तो अब ये जो वैल्यू दिया है इसका तो स्क्वायर करना है यहाँ माइनस दिया तो दो जोड़ देना और प्लस रहता तो दो घटा देते लेकिन यहाँ 100% प्लस होना जरूरी है। अगर यहाँ प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर वाला में जा रहा होगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तो अगर यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा अगर यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा लेकिन यहाँ प्लस रहेगा तो अब क्या करना है सात के स्क्वायर माइनस है तो दो जोड़ देना उनचास और दो सीधा 51 हो जाता ठीक है लेकिन यहाँ अगर माइनस आता है तब बात चेंज हो जाता है। चलिए आगे कुछ सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल लिखते हैं x प्लस वन बट्टा एक्स बराबर रूट फाइव तो हमें बताना है x स्क्वायर माइनस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या करना है इसको हम x प्लस वन बट्टा एक्स एक बार और एक बार x माइनस वन बट्टा एक्स लिख सकते हैं। इसको देखिए जब प्लस वाला का वैल्यू पता है तो हम रूट पाँच तो यहाँ रख लेंगे लेकिन माइनस वाला का मान लाना होगा यानी x माइनस वन बट्टा एक्स का मान लाना होगा तो हम क्या करेंगे रूट अंडर जब कोई चीज़ प्लस करके दिया हो माइनस में पूछे तो रूट अंडर लिखना है और ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट पाँच का स्क्वायर उसके बाद माइनस में लाना है तो माइनस फोर प्लस में लाना होता प्लस फोर स्क्वायर से रूट कट गया पाँच में से चार गया हुआ रूट अंडर एक यानी एक का वर्गमूल एक यानी केवल यहाँ लिखना है एक अब ये हो गया आपका रूट पाँच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और ऐसा ही इसको आप जानते हो लिखोगे x प्लस वन बट्टा एक्स इंटू एक्स माइनस वन बट्टा एक्स लिखोगे अब प्लस वाला का वैल्यू पता है तो हम रख दिए रूट अंडर सात लेकिन इसका वैल्यू लाना है तो जब प्लस में दिया है माइनस में पूछे माइनस में दिया हो प्लस में पूछे हमें फार्मूला याद है अब माइनस में लाना है तो भैया क्या करना है रूट अंडर तो लगाना है जो फार्मूला बताया था अब ये जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके माइनस में लाना है तो माइनस फोर स्क्वायर से रूट कटा सात में से चार गया तो रूट अंडर तीन यहाँ रखना है रूट अंडर तीन अब क्या हो गया सत्या 21 रूट के अंदर हमारा आंसर हो गया रूट 21। अब चलिए अब थोड़ा सा कुछ और बात देखते हैं सीखते हैं समझते हैं। दोस्तों आपको पता है अगर मान लीजिए कि a प्लस वन बट्टा ए लिख दें बराबर तीन लिख दें और पूछ ले कि a के पावर फोर माइनस वन बट्टा ए के पावर फोर का वैल्यू क्या होगा। देखो अगर आपको यहाँ प्लस रहता तब कोनो दिक्कत ना है हमेशा जब पूछने वाले की तरफ प्लस होगा तो समझ जाइएगा कि वो सवाल या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में होगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में होगा। वो कहाँ से पता चलेगा यहाँ से अगर यहाँ भी प्लस है तो समझ जाइए यहाँ भी प्लस है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ही बनेगा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है फिर भी वो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बनेगा यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा लेकिन दोनों कंडीशन में यहाँ प्लस होना जरूरी है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिएगा पहले ये बात हम बता देते हैं और कहीं वहाँ माइनस रहेगा तब क्या होगा पहले प्लस वाला देखते हैं। इसमें क्या करना है इसका ट्रिक ये है कि सीधा एक बार तीन के स्क्वायर करिए अब प्लस दो है सॉरी प्लस है तो दो घटाइए तीन के स्क्वायर नौ नौ में से दो गया सात एक बार काम हुआ। ये पावर फोर तब होगा जब एक बार स्क्वायर होने के बाद फिर एक बार स्क्वायर होगा तब फिर स्क्वायर करिए सात के स्क्वायर करिए और फिर दो घटा लीजिए उनचास में से दो गया सैंतालीस इसका सही आंसर हो गया सैंतालीस लेकिन हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया होगा कि ये चीज़ हुआ कैसे।
पहले हम उसको सीखते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रिक है जरूरी, लेकिन वो ट्रिक याद कैसे रहेगा ये देखिए। दोस्तों अगर इसका स्क्वायर करिए तो ए प्लस वन बट्टा ए का होल स्क्वायर और उधर तीन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वन बट्टा ए स्क्वायर अब प्लस टू ए पी बराबर ये नौ, ए से ए गया हमारा ए स्क्वायर प्लस वन बट्टा ए स्क्वायर अब बराबर हुआ दू जाके उधर घट गया तो सात हो गया। अब पुनः स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे पुनः वर्ग करेंगे, पुनः वर्ग करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस वन बट्टा ए स्क्वायर का भी वर्ग होगा अब बराबर सात का भी वर्ग होगा, ये हो जाएगा। देखिए इतना का स्क्वायर करिएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ अब प्लस वन बट्टा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इस बार ये पूरा ए कहलाएगा और ये पूरा बी कहलाएगा। अब देखिए प्लस टू ए बी टू ए आ ई कहलाएगा बी अब बराबर सात के स्क्वायर कितना हो जाएगा उनचास हो जाएगा। गौर करिएगा यहां पर किसी भी संख्या के पावर पर पावर, अब ब्रैकेट तो पावर में पावर गुना हो जाएगा, ए के पावर हो जाएगा भैया फोर अब प्लस यहां हो जाएगा फिर वन बट्टा ए के पावर फोर, क्योंकि एक का स्क्वायर तो उतना ही आ ए के स्क्वायर के स्क्वायर ए के पावर फोर आ ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया बचा है प्लस दो बराबर हमारा है उनचास। अब क्या करना है, अब हमें तो ए के पावर फोर प्लस वन बट्टा ए के पावर फोर आइए देखिए प्लस दो उधर जाकर माइनस दो हो गया तो सैंतालीस हो गया, बात समझे। चलिए आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों तो ऐसे सवाल को हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि यहाँ प्लस है इधर प्लस में पूछ रहा है तब तक टेंशन नहीं है, चाहे यहाँ माइनस रहे या प्लस रहे इधर प्लस रहना चाहिए, तभी वो सवाल ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में है। करना है कि अगर एक बार इतना का वैल्यू निकालना है तो कोई दिक्कत ना, तीन के स्क्वायर नौ और नौ में से दो घटाएं सात, यहाँ प्लस रहेगा तो दो घटेगा स्क्वायर करके और माइनस रहेगा तो दो जुटेगा। फिर अब आपको फोर बनाना है तो इसका भी स्क्वायर होगा तब पुनः वर्ग करते हैं ना, उस टाइम ऐसा हो जाएगा अब सात के स्क्वायर उनचास और फिर दो घटाइए यानी सात के स्क्वायर करके दो घटाइए आपका आंसर सैंतालीस हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा कि क्यों मैंने दोबारा स्क्वायर किया, आपने प्रोसेस में समझ लिया है इसको। अब जरा ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पर ए प्लस वन बट्टा ए बराबर तीन है क्वेश्चन में तो ए के पावर फोर प्लस वन बट्टा ए के पावर फोर समझ गए, लेकिन केवल यहाँ माइनस हो जाएगा तब इस ट्रिक ना काम करेगा। हाँ ये दो घटावे या दो जोड़े वाला बार बार कह रहे हैं कि यहाँ प्लस रहना ही चाहिए तभी वो दो जोड़ना दो घटाना लगाइएगा। अब आ गया माइनस, अब क्या करिएगा तो सीखिए, पहले तो इसको आप ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वन बटा स्क्वायर फिर लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस वन बटा स्क्वायर, कैसे लिखाया पता चला ना, देखिए ये लिखाया ए के पावर फोर और माइनस वन बट्टा ए के पावर फोर था ये, तो इसको हमने ए स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया और माइनस वन बट्टा ए स्क्वायर का भी स्क्वायर कर लिया। अब क्या हुआ, इतना को ए बोल रहे हैं इतना को बी बोल रहे हैं, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के होगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस वन बट्टा ए स्क्वायर एक बार जोड़ के और फिर इन दोनों को घटा के तो ए स्क्वायर माइनस वन बट्टा ए स्क्वायर हुआ, इसीलिए हुआ, समझ गए। अब चलिए अब देखिए आ ई रहने देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू निकालना आसान है आ इसको फिर लिख लेंगे प्लस वन बट्टा ए इंटू ए माइनस वन बट्टा ए, थोड़ा देर पहले पढ़े हैं ऐसा वाला चीज। अब आ जाइए, अब हमको ये तीन गो वैल्यू चाहिए, हमें प्लस वन बट्टा ए का वैल्यू तीन पता है, इसका तो मान पता है ना लास्ट का पता है ना फर्स्ट का, इसका भी मान निकालने हमको आता है आ इसका भी आता है। देखिए ना ए स्क्वायर प्लस वन बट्टा ए स्क्वायर का निकालना है, इहो प्लस में आई प्लस में रहे तो सीधा तीन के स्क्वायर करेंगे, ये प्लस में रहेगा तो यहाँ प्लस है तो दो घटा लेंगे, तीन के स्क्वायर नौ, नौ में से दो गया सात। अब सुनिए अब हमको तो इसका वैल्यू पता चल गया स्क्वायर प्लस वन बट्टा स्क्वायर का वैल्यू सात और इसका वैल्यू चाहिए, आप ही बताइए। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं कि जो चीज प्लस वाला का वैल्यू देगा आ इसी के माइनस में पूछेगा तो रूट अंडर
ये तीन का स्क्वायर आ माइनस चार, माइनस में लाना है तो माइनस चार, प्लस में लाना है तो प्लस चार। अभी नौ में से चार गया तो हुआ रूट अंडर पांच। अब यहां हम रख देंगे रूट अंडर पांच, भैया सतिया इक्कीस और रूट पांच आपका जवाब हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ में आ गया। दोस्तों एक बात आपको याद होगा, मैंने बताया था कि x प्लस वन बट्टा एक्स बराबर अगर पांच रहेगा तो हमें पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का मान तो क्या करेंगे। अच्छा, ऐसा सवाल जब भी मिलता है तो हमें यहाँ प्लस होना जरूरी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रिक हमारा लगता है ये पाँच का स्क्वायर करना है, अगर यहाँ प्लस है तो दो घटाइए और माइनस रहता तो दो जोड़ते, पच्चीस, पच्चीस में से दो गया तेईस। ये ट्रिक पढ़ा रखे हैं, आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख ले लीजिएगा और आसानी से आप उसे सीख सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे है x माइनस वन बट्टा एक्स बराबर सात, तो आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो ट्रिक दो घटाने दो जोड़ने वाला लगेगा ये हमेशा इधर प्लस रहता है, ये मैंने बताया था आपको। मैं थोड़ा सा बस एक दो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। सात के स्क्वायर करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ दो जोड़ लेना है, उल्टा काम करते हैं। अच्छा, इधर प्लस रहना हमेशा ज़रूरी है। सात के स्क्वायर उनचास, उनचास और दो कितना हो गया इक्यावन। आपके मन में होगा कि सर अगर यहाँ प्लस नहीं रहेगा तब, तब माइनस वाला भी बताए थे पहला क्लास में। आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है अलजेब्रा का, अलजेब्रा मैथ मस्ती लिखिएगा, सब मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट तो आप जानते ही होंगे कहाँ होता है। आज एक बात करते हैं, आप जानते हैं ना, अगर मान लीजिए कि ए प्लस बी का होल क्यू करते हैं तो क्या आता है हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी होता है, होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसी तरह अगर हम x प्लस वन बट्टा एक्स का होल क्यू करें तो क्या आएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए a प्लस बी का होल क्यू इतना आया, अच्छा इसको a कहेंगे और वन बट्टा एक्स को b कहेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। दो टर्म में पहला a है दूसरा b है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू यानी वन बट्टा एक्स का क्यू बी क्यू हो गया, अब प्लस थ्री ए आई बी हो गया। अच्छा, ए बोल रहे हैं हम एक्स को, अब बी बोल रहे हैं वन बट्टा एक्स को, अब फिर देखिए ए प्लस बी, यही बात ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। दोस्तों एक्स प्लस वन बट्टा एक्स का होल क्यू, ठीक है, बराबर आपका एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू और प्लस ये थ्री और इंटू एक्स प्लस वन बट्टा एक्स। सोचिए दोस्तों, इतना बात आया ना, हम चाहे तो इसको कुछ आगे पीछे करके कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इतना बराबर मुझे जानना हो तो इस पूरे टर्म को उठाकर इधर लाते हैं, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस वन बट्टा एक्स का होल क्यू हुआ और उसको इधर उठा के लाइएगा तब माइनस तीन गुने कितना x प्लस वन बट्टा एक्स। अब बराबर देखिए, बराबर ये हमारा कौन एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यही ट्रिक बन गया है ये फार्मूला को ही लास्ट में, लास्ट वाला जो वैल्यू है ना, फार्मूला अंत में सोल्व होकर जो आया कि एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू का मान अगर निकालना होता है तो x प्लस वन बट्टा एक्स का होल क्यू करते हैं और तीन गुना x प्लस वन बट्टा एक्स बस घटा देना है, आपको इतना का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए इसी को हम लोग ट्रिक समझ लेते हैं, जबकि यही फार्मूला का छोटा रूप है। आपको हम क्वेश्चन देकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा कि x प्लस वन बट्टा एक्स का होल क्यों ही मैंने इतना लिखा है। दोस्तों अगर क्वेश्चन रहता है कि x प्लस वन बट्टा एक्स बराबर चार हमारा, तो हम एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू का वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं आप देखिए, अगर इसकी वैल्यू चाहिए एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स प्लस वन बट्टा एक्स का होल क्यू, यानी जो यहाँ दिया हुआ है एक्स प्लस वन बट्टा एक्स का वैल्यू कितना चार, तो चार का क्यू माइनस माइनस और तीन तो तीन और गुना ब्रैकेट मतलब गुना एक्स प्लस वन बट्टा एक्स, तो x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू कितना है चार, यानी चार का क्यू चौंसठ, चौंसठ में से बारह चला गया, चौंसठ में से बारह चला जाएगा दोस्तों हमारा आंसर बावन हो जाएगा यानी 52 हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा
इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में कहेंगे। क्या कहेंगे ज़रा ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। हमें एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू का मान निकालना है, हम कर लेंगे इस चार का क्यू। और देखेंगे अगर इधर माइनस है तो चार में तीन से गुना करके घटा लेंगे, अगर यहाँ प्लस हो सॉरी माइनस होता तो घटा लेते, और प्लस होता सॉरी प्लस होता तो घटा लेते और माइनस रहता तब जोड़ लेते, उल्टा काम करते, क्योंकि प्लस वाला इधर आकर माइनस हो जाता है। अभी आपने फॉर्मूला देखा था, नीचे मैंने किया था। तो दोस्तों ये हुआ चार का क्यू, चौंसठ, चौंसठ में से बारह गया तो हो गया बावन, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतना बावन कैसे हुआ, चलिए एक बार हम फिर फार्मूला से ही सॉल्व करके आपको बताते हैं। अगर इसका होल क्यू कर लेते हैं, आपने देखा है कि आपके पास पता है x प्लस वन बट्टा एक्स का वैल्यू चार, तो अगर हम x प्लस वन बट्टा एक्स का होल क्यू करें और इधर चार का क्यू करें तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इतना हो जाएगा। अब बराबर चार का क्यू कितना हो जाएगा, चौंसठ। अब देखिए हमें तो निकालना है एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स का होल क्यू, इससे ही कट गया प्लस तीन गुना एक्स प्लस वन बट्टा एक्स का वैल्यू कितना पता है हमें, चार, तो चार रख दिए बराबर चौंसठ। अब आइए एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू और ये चार ती बारह हो गया ना, बारह प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो चौंसठ में से बारह घट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, बावन आ जाएगा। अच्छा देखिए इतनी छोटी छोटी चीज़ हम इतना देर तक क्यों समझाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, ताकि हम इसलिए पढ़ाते हैं ना कि हम चाहते हैं, मेरा बस एक ही मकसद है कि आपको गणित अच्छा से समझ में आ जाए और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप खुद से बनाएंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन हो कि ए प्लस वन बट्टा ए बराबर पाँच, तो पूछ ले कि ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू का मान क्या होगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको समझ जाना है ए प्लस बी के होल क्यू कब, ए प्लस बी के होल क्यू पर ये सवाल बनने वाला है। इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। अच्छा इधर माइनस रहेगा तो इधर माइनस करके पूछ लेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे में क्या करना है, हमें ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू का मान निकालना है, तो ये पाँच का क्यू करना है, पाँच में तीन से गुना करना है, प्लस है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, माइनस रहता तो प्लस करते हैं। 125 में से हम 15 घटा रहे हैं, 110 हमारा आंसर हो रहा है। 5 का क्यू 125 होता है, 15 घट गया 110 आंसर हो गया। दोस्तों एक बात और आप समझ लो, आप कहेंगे ध्यान दीजिएगा कि दोनों जगह प्लस होना चाहिए या दोनों जगह माइनस, जैसे a माइनस वन बट्टा ए बराबर 5 रहेगा तो आपसे पूछेगा कि ए क्यू माइनस वन बट्टा ए क्यू का मान क्या होगा। हाँ ऐसा नहीं, माइनस है तो माइनस में रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस में रहेगा, ऐसा भी रह सकता है कि माइनस में देकर प्लस पूछे, आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। पहला वीडियो में आपको बताए थे, अभी हम फिर बताएंगे। देखिए अब ए माइनस बी के होल क्यू पर बनेगा सवाल, तो आपको ए क्यू माइनस वन बट्टा ए क्यू का जब मान निकालना है तो आपको फिर करना है पाँच का क्यू, क्यू वाला में जाना है तो क्यू करना ही है। अब देखिए इस पाँच को तीन से गुना करना है, हम माइनस है तो यहाँ जोड़ लीजिए, पाँच का क्यू 125 हुआ और प्लस पाँच तीय 15 कर लीजिए तो कितना हो गया 140। चलिए 140। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो चलिए अभी आपको हम समझाते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन माइनस वाला कैसे। दोनों को एक बार प्रोसेस से देख लीजिए, आपको पता है इसको अगर आप करेंगे ए प्लस बी का होल क्यू के तरीके से तो इधर भी क्यू इधर भी क्यू कर दिया। अब ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है। सुनिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी, बी बोल रहे हैं हम वन बट्टा ए को हमेशा याद रखिएगा, ए प्लस वन बट्टा ए बराबर ये पाँच का क्यू हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, हमें ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू और ए से ए कट गया प्लस तीन गुना ए प्लस वन बट्टा ए का मान हमें पता था पाँच बराबर पाँच का क्यू 125। अभी 15 जाकर उधर घट जाएगा ना, तो बताइए ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू बराबर क्या हुआ, 125 में से ये 15 घटा, 125 में से यह 15 घट गया 110 आंसर हुआ। इसलिए हमने कहा था कि सीधे सीधे इसका मान निकालना हो तब 5 का क्यू करिए,
फिर पाँच में ही तीन से गुना करिए इसी पाँच में, और देखिए कि प्लस वाला है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, 125 में से 15 घट गया, 110 आपका आंसर हो गया। यही चीज़ हम आपको समझा रहे थे। अब माइनस वाला रहता तो देखिए माइनस वाला का क्या करिएगा, दोस्तों यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, हम ये भी बताएंगे कि यहाँ माइनस रहे वहाँ प्लस रहे तब क्या करेंगे, चाहे यहाँ प्लस वहाँ माइनस तब क्या करेंगे, हम बताएंगे, भागिएगा नहीं। सुनिए देखिए एक बात, ए माइनस वन बट्टा ए बराबर पाँच, अगर इसका होल क्यू करते हैं, ए माइनस वन बट्टा ए का होल क्यू करते हैं, इधर पाँच का क्यू, आपको याद है कि नहीं फार्मूला, आपको याद होगा कि ए माइनस बी का जो होल क्यू होता है वो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें अगर ए क्यू तो इतना, अब बी क्यू का मतलब इतना, सॉरी माइनस में रहेगा माइनस वाला, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और चलिए बराबर पाँच का क्यू 125। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमारा ए क्यू माइनस वन बट्टा ए क्यू, ए से ए कट गया तो माइनस तीन, और ए माइनस वन बट्टा ए, ए माइनस वन बट्टा ए का वैल्यू कितना पाँच, बराबर 125। अब देखिए ए क्यू माइनस वन बट्टा ए क्यू, आई हो गया माइनस में 15, अब बराबर हुआ 125, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा तो ए क्यू माइनस वन बट्टा ए क्यू, अब बराबर 15 जाकर जुड़ जाएगा तो 125 प्लस 15 140 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको ये समझाया था अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर ध्यान देना a माइनस वन बट्टा ए बराबर पाँच और ए क्यू माइनस वन बट्टा ए क्यू का मान निकल है माइनस वाला का है, तो जो वैल्यू दिया उसका क्यू करिए, और जो वैल्यू दिया है उसमें तीन से गुना करिए, और माइनस दिया है तो यहाँ प्लस कर लीजिए, पाँच का क्यू 125, 125 में 15 जुड़ गया, 140 आपका आंसर हो गया। तो इतना काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे कुछ बात और सीखते हैं, अच्छे से समझते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर पहले माइनस देगा बाद में प्लस कर देगा तब क्या करिएगा, मान लीजिए कि x प्लस वन बट्टा एक्स बराबर चार लिख दें, और तब आपसे पूछ ले कि एक्स क्यू माइनस वन बट्टा एक्स क्यू का मान क्या होगा, तब क्या करिएगा। दोस्तों याद रहे इसी में आपसे गलती होगा, इसी में गलती होगा, क्यू वाला में ना इधर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह उधर भी रहेगा, और नहीं है तो आप चेंज करिए, इसका मान निकालना है ना, माइनस में है पूछा है ना, तो इसको माइनस में लाइए। आपको याद होगा कि x माइनस वन बट्टा एक्स का वैल्यू निकालना हो तो मैंने एक फार्मूला बताया था, रूट अंडर प्लस वाला का जो मान दिया है उसका स्क्वायर करना है और चार घटाना है, चार का स्क्वायर 16, 16 में से चार गया तो 12, यानी इसको 2√3 कह सकते हैं, 12 चार तीन 12 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 3 रह गया अंदर, इसका मान निकालना है या 12 रूट 12 ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, या 2√3 एक ही बात है। अब आप समझ गए कि x माइनस वन बट्टा एक्स की वैल्यू आपको पता है कितना 12, तो हमें निकालना है यही तो x क्यू माइनस वन बट्टा एक्स क्यू का मान, तो जो वैल्यू दिया है उसका क्यू करना है, इस वैल्यू का क्या करना है क्यू करना है, और इसी वैल्यू में तीन से गुना करके अगर माइनस है तो यहाँ जोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि ये तीन बार 12 लिखाएगा तो एक बार तो 12 बाहर आ जाएगा और एक 12 अंदर रह जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 12 का क्यू है तो रूट 12 गुने रूट 12 गुने रूट 12, तो दो गो रूट 12 मिलकर एक 12 निकल गया बाहर में, एक 12 अंदर रह गया। अब चलिए अब प्लस ये 3√12 हो गया, अब 12 3 कितना हो गया 15√12 हमारा आंसर। अच्छा इसको और तोड़ सकते हैं, 12 को 4 3 12, 4 का 2 निकलेगा तो 2 15 में गुना होगा तो 30√3 हो जाएगा, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, आइए दोस्तों एक बात देखिएगा, अगर x प्लस वन बट्टा एक्स, चाहे यहाँ माइनस मैंने लिख दिया और तब यहाँ दे दिया मैंने 5, और आपसे पूछा कि एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू का मान क्या होगा, याद रहे कि अगर क्यू वाला में प्लस में पूछ रहा है तो यहाँ भी प्लस में ही आपको पता होना चाहिए,
इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि x प्लस वन बट्टा एक्स बराबर अगर a है तो x माइनस वन बट्टा एक्स का मान जैसे प्लस वाला का दिया और इसी चीज़ को माइनस, यहाँ केवल माइनस करके पूछा तो रूट अंडर करना है, जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करना है, माइनस में लाना है तो माइनस फोर करना है, सेम चीज़। अगर यहाँ मान लीजिए कि माइनस दे तो यहाँ प्लस में पूछेगा, तो अगर आपको प्लस में पूछेगा तो यहाँ प्लस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, सीधी बात है। प्लस चिन्ह रहेगा तो माइनस में पूछेगा, माइनस करके निकालिएगा। यहाँ माइनस रहेगा, प्लस में पूछेगा तो यहाँ प्लस फोर करके निकालिएगा। ये चीज़ मैंने कल की वीडियो में आपको पढ़ा रखा है। अब देखिए इसी आधार पर हम आगे बात करेंगे कि जब क्यू वाला है तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस होना जरूरी है ना, है तो लाइए प्लस में, इसको लाइए कैसे, रूट अंडर जो दिया उसका स्क्वायर, अब प्लस में लाना है तो प्लस फोर। अरे 25 और 4 कितना होता है, 29 होता है। अब इसका मान निकालिए ना भाई, कोई दिक्कत ना है। जब आपको x प्लस वन बट्टा एक्स का वैल्यू पता है रूट अंडर 29, तो इतना का मान निकालने के लिए यानी हमारा a प्लस बी के होल क्यू के फॉर्म में आ रहा है। अब देखिए तो इसका क्यू करिए, यानी रूट 29 का क्या करना है, क्यू करना है, और फिर रूट 29 में ही 3 से गुना करना है, अब प्लस है तो यहाँ घटा देना है, यहाँ माइनस रहता तो वहाँ जोड़ देना है, यही काम तो करना है। तो यहाँ पर क्या होगा ना दोस्तों, देखो ये रूट 29 का मतलब है कि 29 गुने 29 तीन बार, 29 गुना 29 एक ही रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, √29 × √29 × √29 को, तो एक 29 बाहर आ जाएगा, एक 29 अंदर रह जाएगा, यानी 29√29 ये हो जाएगा 29√29 माइनस 3√29। अच्छा 29 गो में से 3 गो चल गया तो 26 गो बच जाएगा √29, ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। चलिए दोस्तों तो ये 8 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और ये 8 क्वेश्चन हम दो वीडियो में, जितने भी आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के टाइप हमने बता दिए। आप क्या करिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा, और चलिए इससे क्या होगा कि इतने टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैंने लिख दिया है जानबूझ के, और अगली वीडियो में हम आपको और कुछ नई नई चीज़ें सिखाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, और जितना टाइप हम करवाएंगे उस पर आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, तब जाके आपका गणित अच्छा होगा। आपको गणित नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपके अंदर सीखने का थोड़ा सा जुनून एक बार जग जाए आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो पहला वीडियो पहले देखिएगा, तो अभी सब सवाल बनेगा ना, तो कुछ सवाल आपसे गलती हो जाएगा। आप पहला वीडियो देखे हैं, आप मेहनत किए होंगे खुद से फिर बनाए होंगे, और दूसरा वीडियो देखें कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा, मेरा चैलेंज है। अगर आप ये सारे सवाल बना लिए हो सही सही तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि सर मैंने सही किया है। बाद में आइएगी बना के, अब तब देखिए एक बार हट गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए हाँ, अब क्या करिएगा, अब सवाल को बनाइएगा। अरे मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे, तेरी नजर की बिजली आके मुझ पे गिर गई रे। और चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे ही आपने थंबनेल देखा है कि 1 सेकेंड में बनना चाहिए ऐसे सवाल, बिल्कुल बनेगा। आप बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, सारे सवाल मैं बना के रख देता हूँ आपके सामने। आप कितना फास्ट बनाएंगे आपको पता है, देख लीजिए आपको बताते हैं। ई वाला तो आप जानते होंगे, क्यू वाला भी जानते होंगे, ये एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू ई वाला जानते होंगे, स्क्वायर वाला, क्यू वाला, फोर वाला, फाइव वाला, सिक्स वाला, सेवन वाला, सारी चीज़ें जानना है। कैसे देखिए जरा, एक्स प्लस वन बट्टा एक्स का वैल्यू 3 है तो इतना का वैल्यू, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 वाला है तो 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, फिर 7 के स्क्वायर 49, 2 गया 47,
नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार बनाते फिर देखिए पूरा अच्छा से समझाते हैं। फाइव वाला में आना है ना, तो केवल क्या करना है आपको, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला का गुना करना है। मतलब क्यूब का क्या होता है, तीन का क्यूब 27, 27 में से तीन तीन नौ गया 18। अब आपको 18 सत्य छबील से 126 में से तीन गया 123 हो गया, लीजिए। अब आपको अगर सिक्स में आना है तो या तो आप स्क्वायर वाला पहले ले लो तब क्यूब कर लेना, या क्यूब वाला को ले लो स्क्वायर करना। 18 के स्क्वायर 324, 324 में से दो चला जाएगा 322। सात वाला में आना है तो सीधा हमको क्या करना है, सात वाला तो चार वाला और तीन वाला को लेकर गुना हो जाएगा। 18 गुने 47 हमारा हो जाता है 846, 18 गुने 47 846, इसमें से तीन घट जाएगा, हमारा 843 आंसर हो गया। इतना ही समय लगेगा। अब इतना समय में ये सारे सवाल आप बना लिए, इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए, जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत अच्छे से हम आपको सिखाने वाले हैं, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। दोस्तों इतना फास्ट करने के लिए ऐसे ही नहीं हो गया होगा, इसके पीछे आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जबकि पार्ट वन में हमने आपको बताया था कि x प्लस वन बट्टा एक्स बराबर तीन है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का मान, तो तीन का स्क्वायर करना है नौ, यहाँ प्लस है तो दो घटाना है, नौ में से दो गया सात, ये बात आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे। अच्छा आपको ये भी पता है कि एक्स क्यूब प्लस वन बट्टा एक्स क्यूब का अगर मान निकालना हो, देखिए x प्लस वन बट्टा एक्स का वैल्यू तीन पता है, मान हमको ये पता है, ये वाला पता है, और इसका मान निकालना है। आपने क्या किया था, तीन का क्यूब करते हैं, तीन का क्यूब, और इसी तीन में तीन से गुना करके घटा देते हैं, तीन का क्यूब 27, 27 में से नौ गया 18, यानी इतना का वैल्यू 18। ये काम दिमाग में मने मने कर लेना है, तीन का क्यूब 27 और जो वैल्यू है उसी में तीन से गुना करके घटाना है, 27 में से तीन तीन नौ घटेगा 18। उसके बाद अगर हम फोर वाला बात करें तो फोर कब होगा, जब दो बार स्क्वायर होगा, तो जितना बार स्क्वायर करते हैं दो घटा लेते हैं, अगर x प्लस वन बट्टा एक्स की वैल्यू तीन है तो एक बार स्क्वायर करेंगे, तीन के स्क्वायर नौ, नौ में से दो गया तो सात, और फिर एक बार करेंगे, अब सात का स्क्वायर, अब सात का स्क्वायर देखिए ये सात है ना, इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसका आ जाएगा, सात का स्क्वायर 49, 49 में से दो चला गया तो हुआ कितना 47। अब आप समझ रहे होंगे कि सर फाइव वाला में क्या किया जाए, तो चलिए अब फाइव वाला समझाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होता होगा। तो x प्लस वन बट्टा एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास तीन है, यहाँ कोई और भी वैल्यू रह सकता है, हमको निकालना है कि x के पावर पाँच प्लस वन बट्टा एक्स के पावर पाँच का मान। अब आपको पूरे कॉन्सेप्ट से प्रोसेस से आपको समझाते हैं, उसके बाद तो उतना ही जल्दी आप बनाइएगा जैसे मैंने आपको पहले बता दिया बनाकर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें आप जानते हैं अगर एक्स स्क्वायर और गुना किया जाए एक्स के पावर तीन का तो एक्स के पावर पाँच के रूप में आ जाएगा, यानी कि इसका एक बार स्क्वायर के रूप में और एक बार हम क्यू के रूप में मान निकाल लें, काम बन जाएगा। देखिए अगर स्क्वायर में आप निकालते हैं तो आपको ये ट्रिक पता है कि तीन का स्क्वायर नौ, नौ में से दो चला जाएगा तो सात। अब हम एक्स के क्यूब वाला भी निकाल लेते हैं, कैसे लीजिए, तीन का क्यूब 27, 27 में से क्या घटाएंगे, इसी में तीन से गुना करके 27 में से नौ घटा देंगे हुआ 18। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए, बाएं वाला का बाएं में, दाएं वाला का दाएं में गुना करिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर का गुना हम किसके साथ करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन बट्टा एक्स क्यूब के साथ गुना करेंगे। तो जब बाएं साइड वाला का आपस में आपने गुना किया है तो दाहिने साइड वाला का भी आपस में गुना करना होगा। अब इससे इसको गुना करिएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को गुना करिएगा तो एक्स के पावर फाइव हो जाएगा, अब प्लस, अब इससे इसको गुना करेंगे किससे, अरे भैया एक्स स्क्वायर से अब इसको गुना करोगे, माने इससे दोनों में बारी बारी, तो अब इसमें गुना करेंगे वन बट्टा एक्स क्यूब में, तो आप जानते हैं दो गो एक्स है, यहाँ तीन गो है तो एगो एक्स बचेगा, यानी कि वन बट्टा एक्स हो जाएगा। इससे तो हम दोनों में गुना कर लिए, अब इससे हम दोनों में गुना करेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे अब इससे, तो जब इससे करेंगे तो ऊपर में एक्स क्यूब है, देखिए एक्स क्यूब ऊपर में या नीचा में, देखिए वन बट्टा एक्स स्क्वायर से आप एक्स क्यूब में गुना करेंगे
दो बार एक्स है ऊपर, तीन बार है तो एक एक्स ऊपर बच जाएगा, प्लस एक्स हो गया। अब इससे इसको गुना करेंगे तो एक गुना एक ऊपर में एक ही रहेगा, सब प्लस है तो प्लस दिया, एक गुना एक एक होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स थ्री का गुना एक्स के पावर फाइव। कहे कि गुना में ना पावर में पावर जुट जाता है, कैसे? अब देखो एक बट्टा एक्स स्क्वायर और गुना एक बट्टा एक्स का क्यूब, यही ना। तो देखिए ऊपर तो एक हो गया, नीचा बेस समान, गुना में पावर जुट जाएगा, तो यहाँ दो और तीन जुट जाएगा, पाँच हो जाएगा। चलिए अब बराबर 18 सत्य 126। अब दोस्तों इसको और इस टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, तो x के पावर 5 प्लस 1 बट्टा x के पावर 5 हो गया, अब प्लस हमारा बच गया ये वाला टर्म, नहीं कितना बच गया x अब प्लस 1 बट्टा x, ये टर्म बच गया बराबर 126। दोस्तों इस टर्म का वैल्यू, अरे x प्लस 1 बट्टा x चाहे 1 बट्टा x प्लस x एक ही बात है, इसका वैल्यू हमको पता रहता है 3, तो x के पावर 5 प्लस 1 बट्टा x के पावर 5 यही वैल्यू उठकर यहाँ हमेशा आता है, ये प्लस 3 बराबर 126, यानी आपके पास ये x के पावर 5 प्लस 1 बट्टा x के पावर 5 बराबर 3 उधर जाके घट गया तो 123 हो गया, यही तो बात है। अब सुनिए, यानी इतना काम एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में क्या करना है, खटाक से आपको इतना काम करना है जब आपको पता है यहाँ पर कि x प्लस 1 बट x का कोई वैल्यू दे तो स्क्वायर और क्यू का केवल निकालेंगे, वो हार्ड नहीं होता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, फिर x का क्यू और नीचा 1 बट्टा एक्स का क्यू, इसका निकालने के लिए 3 का क्यू 27, 3 दे 9 घटा देंगे 18 हुआ। अब 5 वाला में जाना है तो 5 वाला में जाने के लिए क्या करना है, 18 सत्य 126, आ एक बार यही वैल्यू तो आता है जो घटाते हैं, बस हो गया 123, बस हमारा आंसर हो गया। नहीं कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से सीख गए होंगे x के पावर 5 वाला निकालना, होता है बहुत लोग को इसमें मिस्टेक होता है, दिक्कत होता है, इसको नहीं निकाल पाते हैं, पर आपका एग्ज़ाम पूछ भी लेता है ऐसे सवाल को, क्योंकि स्क्वायर क्यू तक सब पहुंचते हैं, जो विद्यार्थी ये नहीं जानता है उसको दिक्कत होता है और एग्ज़ाम में नहीं बना पाने की वजह से ये छूट जाता है और आपको अंक कम मिलते हैं, इसलिए अब इसको आप सीख गए। आइए 6 वाला में क्या करेंगे, दोस्तों सोचिए अगर आपसे पूछ लिया जाए अब x के पावर 6 प्लस 1 बटा x के पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, अच्छा इसके लिए या तो x के स्क्वायर करके q कर लीजिए तो हो जाएगा, तो देखिए x के पावर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले x के q निकाल लीजिए और फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए तो x के पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 6 लाने के लिए एक बार क्यू आ एक बार स्क्वायर, या एक बार स्क्वायर एक बार क्यू। चलिए पहले क्यू वाला ही खत्म कर लेते हैं, तो एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू की मान निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम 3 का क्यू करेंगे, 3 का क्यू कितना होता है 27, 27 में से 3 3 9 घट गया 18। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना है, क्या करना होगा, 3 के स्क्वायर 9 में से 7 गई, 9 में से 2 गया 7। अब दोस्तों अब हमें सॉरी यहाँ स्क्वायर निकालना कहाँ है, नहीं अब ये जो हुआ ना केवल इसी का स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करेंगे इसका इसका, तो जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a इतना को बोल रहे हैं हम, एक्स क्यू को a बोल रहे हैं, 1 बट्टा एक्स क्यू को b बोल रहे हैं, स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर मतलब एक्स क्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 बट्टा एक्स क्यू का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2a ए कह रहे हैं इतना को, अब b कह रहे हैं हम 1 बट्टा एक्स क्यू को 2ab, चलिए अब बराबर 18 का स्क्वायर 324। आइए इत्मीनान से सीखिए ना, x के पावर 3 इसका पावर 2, किसी भी संख्या के पावर पर पावर और ब्रैकेट है तो पावर में पावर गुना हो जाएगा, आइए यहाँ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, पावर में पावर गुना हो गया, एक का स्क्वायर एक ही हुआ, एक्स क्यू का स्क्वायर तो एक्स के पावर 6 प्लस ये कट गया बचा 2, अब हुआ 324, यही 2 जाके घट जाता है जो आप ट्रिक में समझते हैं, बात करते हैं देखिए अब यहाँ 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 322 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आपको क्या करना है, सीधा करना है इसका स्क्वायर आ एक बार क्यू, जब 6 में लाना है तो एक बार स्क्वायर एक बार क्यू, अगर 5 में लाना है तो एक बार स्क्वायर आ क्यू वाला को गुना करना होता है,
इस बार हम क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, या एक बार क्यूब तब स्क्वायर, तीन का क्यूब 27, 27 में से 3 3 9 18 हो गया, यानी एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू का वैल्यू हो गया हमारा 18। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उस समय आपको पीछे का कंसेप्ट आपको पता है कि स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, दो घटा लेते हैं अगर यहाँ प्लस रहता है तो। 324 में से चला गया दो, 322 आपका आंसर हो गया। आप इतना जल्दी इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। आइए अब आगे हम देखते हैं कि अगर पावर 7 रहेगा तो क्या करेंगे। अब x के पावर 4 प्लस 1 बट्टा x के पावर 4 का मान निकालना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सॉरी 4 वाला तो हो गया है, 4 वाला हो गया, 7 वाला तो एक बार 4 में निकाल लीजिए, एक बार 3 में, यानी पावर एक बार 4 में और एक बार 3 में। हमें एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू का मान निकालना है तो आ जाता है 3 के 9 नतिया 27, 27 में से 9 गया 18 होता है। अब x के पावर 4 प्लस 1 बट्टा x के पावर 4 का वैल्यू कितना आपको क्या करना है। अब 4 में है तो इसका तो दो बार काम होता है, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, फिर 7 के स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया कितना 47, और आपस में गुना कर लीजिए। गुना करिएगा तो यही मान फिर लास्ट में जाकर घटेगा, यानी इन दोनों के गुणनफल में ही 3 घटेगा, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो आइए अगर गुना करते हैं हम एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू का किसके साथ गुना करेंगे, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बट्टा एक्स के पावर 4 के साथ गुना करेंगे तो 18 गुना 47 होगा। अब ये देखिए एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू, सॉरी गुना कर लीजिए ना, इसको गुना करोगे तो एक्स के पावर 7, इसको इससे तो हम इसमें गुना कर लिए, अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 1 बट्टा यहाँ कितना हो जाएगा, जब इससे इसको करेंगे तो 1 बट्टा एक्स बच जाएगा, क्योंकि 3 गो एक्स है या नीचा 4 गो एक्स है तो एगो एक्स नीचे बच जाएगा। इससे इसको गुना करेंगे दोस्तों, अब इससे इसको तो केवल एक एक्स बचेगा क्योंकि 3 गो है 4 गो है काट देगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो 1 बट्टा एक्स के पावर 7 हो जाएगा बराबर 18 गुने 47। देखिए 18 सत्ते 126 के 6 हासिल 12, 18 चौके 72 और 12 84। चलिए अब क्या होगा, ये देखिए इतना का वैल्यू आपको पता है x प्लस 1 बट्टा एक्स, इतना का वैल्यू आपको पता है 3, यही 3 जाकर घट जाएगा और इधर रह जाएगा x के पावर 7 प्लस 1 बट्टा एक्स के पावर 7, और यही वैल्यू जो 3 है इसमें से 846 में से 3 घट जाएगा तो हमारा आंसर 843 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना चीज़ आप जान गए हैं। अच्छा ये चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए, स्क्वायर वाला जो कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बताए हुए थे कि अगर ए प्लस 1 बट्टा ए बराबर 5 है तो आपको निकालने के लिए कि ए स्क्वायर प्लस 1 बट्टा ए स्क्वायर, सब पहला क्लास में बताए, नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए तो दिक्कत होगा। 5 का स्क्वायर करना है और 2 घटा लेना है, अगर यहाँ प्लस है तो 2 घटाना है, माइनस है तो 2 जोड़ना है, 25 में से 2 गया 23, ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आप इस चीज़ को सीख गए हैं बहुत आसानी से कि एक्स स्क्वायर वाला रहेगा, एक्स के क्यू वाला रहेगा, या पावर 4 वाला रहेगा, 5 वाला रहेगा, 6 वाला रहेगा, 7 वाला रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, हो तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। आपने पढ़ा कि x प्लस 1 बट्टा x बराबर अगर 5 है तो हमको x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x स्क्वायर का मान निकालना है। आसानी से निकाल सकते क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला से भी बताया आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, फिर ट्रिक भी बताया है। डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक पर, क्योंकि बेसिक तो हम भाई पीछे की वीडियो में भी आपको बता रखे हैं इसके बारे में। यह 5 का स्क्वायर है 25, अब प्लस है तो 2 घटाइए, अब माइनस रहता तो 2 जोड़ते, 25 में से 2 गया 23, इस सवाल का आंसर हो गया। तो अभी तक आप देख रहे हैं सवाल इस फॉर्म में है, अब ऐसे ऐसे सवाल थोड़ा रूप बदल कर आपके एग्जाम में आता है जो कि आपको लगेगा कि हम तो ऐसा पढ़े ही नहीं, जबकि रियल बात तो यह है कि आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा समझने भर देर है। देखिए जैसे क्वेश्चन आज का पहला सवाल कहता है कि p बराबर 3 प्लस 1 बट्टा पी, तो पूछता है कि 5p बट्टा p
पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन का मान क्या होगा? दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए क्या है, देखिए 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 एक बात बताइए, सिंपल सा बात है, इसको अगर इधर बुला लेते हैं तो पी माइनस एक बट्टा पी बराबर तीन हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर, कहे कि भिन्न का घटाओ पी स्क्वायर माइनस वन अब बट्टा में पी अब बराबर थ्री। अब देखिए पी स्क्वायर माइनस वन आ ये हो जाएगा थ्री पी, क्या है ऊपर तो फाइव पी है ही और नीचे पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन के बदले थ्री पी रख दें, पी स्क्वायर माइनस वन के बदले हम थ्री पी रख दें और एगो प्लस पी और है, ऊपर में फाइव पी हो गया और नीचे में हो गया भैया चार गो पी, पी से पी कट गया, हमारा आंसर पाँच बट्टा चार हो गया। तो मैं चाहता था कि ऐसे भी सवाल हम आपको बता दें। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दस सवाल ऐसे ऐसे आपको आज देखने को मिलेगा जो हो सकता था कि अभी तक आप कन्फ्यूज होते रहे होंगे, आपको लगता रहा होगा कि तो बनने वाला है लेकिन आपसे बन नहीं रहा था। अगला सवाल देखिए ना, दूसरा कहता है कि एक बट्टा ए है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर ए स्क्वायर प्लस वन है, फिर आगे कहता है बराबर हमारा कितना है तीन है, तब पूछता है कि ए के पावर छः अब प्लस वन अब बट्टा में है, ए का क्यू का मान कितना हो जाएगा? ज़रा एक काम करिए, एक काम करिए, क्या करना है, अगर मान लीजिए इसको गुना करते हैं, इसको इसको गुना करेंगे तो ए बचेगा पहले, इससे इसमें गुना होगा। देखिए एक बट्टा ए से गुना जब आप ए स्क्वायर में करेंगे तो क्या है, ए स्क्वायर का मतलब दो बार ए है गुना में, एक ए कट गया तो बचा ना सीधे ए गुना एक ए होता है। आइए दोस्तों अब देखिए, अब इससे जब एक में गुना करेंगे, अब बीच में प्लस है तो प्लस आया, और इससे जब एक में गुना करेंगे तो एक बट्टा ए ही होगा बराबर तीन। देखिए ऐसा फॉर्म में आप क्वेश्चन को देख चुके हैं, एक काम करते हैं, या तो आप इससे भाग लगा लीजिए, इससे इसमें भी दीजिए और इसमें भी भाग दीजिए, अगर इसमें अलग भाग दीजिएगा तो ए के पावर तीन बच जाएगा, और इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तब प्लस ए क्यू लिख सकते हैं, नहीं समझे भैया, ये दोनों के बट्टा में ए क्यू है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे ए के पावर छः में लिख सकते हैं। आप लोग को भी समझ में आ रहा है वीडियो बनाना कितना कठिन काम है, हाँ सब जगह लोग हल्ला होते रहता है, करते रहता है, बड़ा मुश्किल से वीडियो बनता है, दिमाग खराब होते रहता है, ताकि आपको परेशानी ना हो इस वजह से। सुनिए अब ए क्यू से इसमें भाग दीजिएगा, देखिए आप फिर प्लस ए क्यू से इसमें भी भाग दे सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, नीचा में तीन गो ए ऊपर में छः गो, इसको काटिएगा तो तीन गो ए बचेगा, आ फिर ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू हो जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ। अब एगो बात बताइए, आप पहले ऐसा रूप वाला सवाल देख चुके हैं, आपको इतना का मान बताना था, यानी ये अब ये बात है, ये यही चीज है। अब सुनिए एक बात, अब ए प्लस वन बट्टा ए बराबर तीन, तो ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू का मान क्या होगा? ये तीन का क्यू किया जाएगा, इसी में तीन से गुना करके घटा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो घटाएंगे, माइनस होता तो जोड़ते, तीन का क्यू सत्ताईस, सत्ताईस में से नौ गया तो अठारह हमारा आंसर हो गया, या दोनों तरफ क्यू कर दो तो भी सवाल बन जाएगा, लेकिन क्यू करके हम आपको बता रखे, अब तो ट्रिक पर चल रहा है, प्रोसेस हम पूरा समझा चुके हैं कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल कि हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं, है ना। आइए तीसरा सवाल हमारा है कि ए बराबर है भैया दो प्लस रूट तीन, आ देखिएगा तो कहता है कि ए के पावर सिक्स प्लस ए के पावर फोर अब प्लस ए स्क्वायर अब प्लस वन अब बट्टा में हमारा है ए क्यू, कहता है इतना का मान की होगा ये बताइए। आइए बताते हैं, एक बात करिए, सब के बट्टा में ए क्यू है ना, सब में भाग दे दीजिए बारी बारी अलग अलग, बीच में प्लस लगा दीजिए, ए क्यू से इसमें भाग दे देते हैं तो ए के पावर तीन बच जाएगा, प्लस इसमें भाग दीजिएगा तो एक गो ये बचेगा, नीचा तीन गो और चार गो है ऊपर में तो ए गो ऊपर बचेगा, अब प्लस इससे जब इसको भाग दीजिएगा तो नीचा में ए गो बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं तो एक बट्टा ए, इससे इसको भाग दीजिएगा तो प्लस ए क्यू, यानी अब इसको एक जैसा लग रहा है तो एक तरफ रख देते हैं, इसको एक तरफ ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू, ठीक है। अब देखिए अब प्लस
इसको हम a प्लस वन बट्टा ए एक साथ लिख दिए। आपको कोई दिक्कत है? इतना इतना तक कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए कर दिया कि ऐसा ऐसा वाला वैल्यू निकाले आता हम लोग को, सीख चुके हैं। तो अब देखिए, अब भाई ये तो खाली a के मान है, तो एक बट्टा ए का जो मान होगा ना दोस्तों, देखिए मैं आपको घातांक करने में ये चीज़ पढ़ाऊंगा, और अगर आप पढ़े हैं तो आप जानते होंगे। यहाँ पर कोई वैल्यू या तो a प्लस बी हो या a माइनस बी के रूप में हो, इसको पलट दोगे ना, जैसे किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो एक होता है, जब इसको पलटिएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। हाँ, आगे पूरा प्रोसेस है, लेकिन देखिए केवल इसको बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, यानी इतना का मान यही हो जाएगा, दो माइनस रूट तीन हो जाएगा। ए बराबर अगर दो प्लस रूट तीन है तो एक बट्टा ए का मान दो माइनस रूट तीन होगा। लेकिन मैथ है तो हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक, इसके भी बट्टा में कुछ नहीं तो एक, इसको पलट देंगे तो एक बट्टा ए होगा, इसको भी पलट देंगे तो एक बट्टा दो प्लस रूट तीन हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ मैंने पलट दिया, सेम काम दोनों तरफ किया। अब एक बट्टा ए बराबर, सुनिए, नीचा से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बीच का साइन चेंज, और नीचे में वर्गों का अंतर। अच्छा, परिमेयकरण हुआ। हाँ, परिमेयकरण हुआ, नीचे से ऊपर जाएगा बीच का साइन चेंज, नीचे में वर्गों का अंतर, दो का वर्ग होगा चार, आ इसका वर्ग होगा तीन, अंतर तो माइनस एक बट्टा ए बराबर, अब हो गया दो माइनस रूट तीन, अब बट्टा में एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए वही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसा चीज आपको मिल जाता है, ऐसा चीज मिल जाता है कि जैसे a का वैल्यू या x का वैल्यू a प्लस बी के रूप में या a माइनस बी के रूप में है, तो अगर a का वैल्यू है और 1 बटा a का वैल्यू निकालना है तो केवल चिन्ह चेंज कर लीजिए। अब देखिएगा, अगर जोड़ देते हैं a के वैल्यू और 1 बटा a के वैल्यू को जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेंगे तो माइनस में प्लस में तो जीरो हो जाएगा, आ दो हो जाएगा चार। अब लीजिए बात बन गया, क्योंकि a प्लस 1 बटा a का वैल्यू चार है तो यहाँ चार रख दिए, आ प्लस ए क्यूब प्लस 1 बटा ए क्यूब का मान निकालना कौन बड़का बात है, यही चार का क्यू करिएगा, चार में तीन से गुना करिएगा और घटा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है, चार का क्यू चौंसठ, चौंसठ में से बारह गया बावन, चार जोड़ दिए छप्पन, आपका आंसर हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्स प्लस वन बट्टा एक्स बराबर हमारा रूट तेरह है, तो कह रहा है कि थ्री एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वन का मान। एक काम करिए, ऊपर थ्री एक्स है ना, नीचे केवल x कॉमन निकालिए, तो x x से इसमें भाग तो एगो x बचा, इसमें भाग तो माइनस वन बट्टा एक्स बचा। अब आइए ऊपर में 3x है और नीचे में, अच्छा एक काम करिए, अब x x काट लीजिए, ऊपर तीन और नीचा x माइनस वन बट्टा एक्स। आपको याद है, आपको याद है मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर x प्लस वन बट्टा एक्स की वैल्यू a है और आपको x माइनस वन बट्टा एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हमने बताया था रूट अंडर इस a का स्क्वायर माइनस में लाना है तो माइनस फोर, और यही चीज़ रहता माइनस वाला का डेल प्लस में लाना होता तो प्लस फोर करते। बस इसी फार्मूला पर हम निकाल लेंगे x माइनस वन बट्टा एक्स का मान रूट अंडर इसका स्क्वायर करेंगे, यानी रूट तेरह का स्क्वायर, रूट तेरह का स्क्वायर कर लेंगे, अब माइनस फोर कर लेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया, चलिए नीचे वाला मिटा लेते हैं हम। x माइनस वन बट्टा एक्स बराबर क्या हुआ, तेरह में से चार गया रूट अंडर नौ, यानी x माइनस वन बट्टा एक्स का वैल्यू हो गया तीन, बट्टा में तीन आया दोस्तों, कट गया वन, काहे x माइनस वन बट्टा एक्स का वैल्यू तीन आया, तीन से तीन कट गया एक बार में, हमारा आंसर तैयार है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे हमारा सवाल क्या है। दोस्तों मेरा मकसद है आपको सिखाना, वरना हम अब तक अलजेब्रा ख़त्म किए हुए होते, तो ऐसे ख़त्म करने से नहीं होगा। हमें पता है कि हमने क्या पढ़ाया आपको और क्या आपसे अब नहीं बनेगा, क्या छूट सकता है। आइए हमारा पचवा क्वेश्चन होगा, x प्लस वन बट्टा एक्स की वैल्यू तीन है, तो कह रहा है कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और बट्टा में हमारा फाइव एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा,
इसको कुछ नहीं, अगर इसको हल करते हैं तो ये हो जाता हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब बटा में एक्स, बटा एक्स उधर जाकर गुना हो जाएगा तो थ्री एक्स हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन के बदले हम थ्री एक्स रख सकते हैं, तो ऊपर में थ्री एक्स हो गया, माइनस एक्स हो गया, बटा में फाइव एक्स हो गया, तीन में से एक गया तो दो गो एक्स, बटा में फाइव एक्स, एक से एक्स कट गया, हमारा आंसर दो बटा पाँच हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। प्रश्न है हमारा छठा, कहता है 2x प्लस वन बाई थ्री एक्स, ठीक है, अब बराबर है 5, तो पूछ रहा है कि 5x बटा 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस वन, अब इतना का मान क्या होगा? बस वैसा ही है, यहाँ 6 में है ना, तो इसको करिए, हल करिए, 3 दुना 6x स्क्वायर प्लस वन बट्टा में हुआ 3x बराबर 5, ये 3x भाग में उधर गया तो गुना में, यानी 6x स्क्वायर प्लस वन, ये जाकर उधर 5 थी 15x हो जाएगा। ऊपर में यहाँ आप देख रहे हैं कि 5x तो है ही, आई 6x स्क्वायर प्लस वन के बदले 15x और 20x ई वाला, तब 20 और 15 कितना 35, एक्स 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 कट गया, 5 × 7 = 35, यानी 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर सवाल है, प्रश्न का कहना है कि a प्लस बी बट्टा रूट अंडर ए बी बराबर 2/1, तो a माइनस बी का मान क्या होगा? कभी कभी क्या होगा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल आपको देखने में लगेगा लेकिन वो आपको दिक्कत कर देता है। फिलहाल यहाँ देखिएगा, इस सवाल में अगर हम a और b का मान 1 ले लेते हैं तो ये संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि a का 1 हो जाएगा 2, और नीचा 1 गुने 1 वर्गमूल 1 के, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 में से 1 जाता 0 आंसर हो जाता। चलिए इसको सोल्व भी करके देख लेते हैं। दोस्तों ये a प्लस बी है, उधर जाकर गुना हो गया 2 √ab हो गया। अब यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि इस पर रूट लगा हुआ नहीं है, और यहाँ रूट लगा हुआ है तो कैसे होगा, रूट को हटाने का प्रयास करते हैं, तो दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। अब दोनों तरफ अगर हम वर्क कर देते हैं तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ab। अब इसको इधर लिखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको बुला के लाते हैं तो 4ab बराबर में क्या 0। अब दोस्तों हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस में 2ab हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 0, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको मिला कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जब 0 है, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा, a माइनस बी बराबर 0 हो गया। यही पूछा था कि a माइनस बी का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। लेकिन आपको जब एग्जाम में ऐसा सवाल मिलता है तो आप कुछ दिमाग लगाते, a और b का मान 1 रख लेते तो ये संतुष्ट हो जाता समीकरण, क्योंकि a प्लस बी ए का 1 हो जाता यहाँ 2, और यहाँ a का 1 एक गुने 1 एक, एक का वर्गमूल 1 ही होता, तो कोई दिक्कत है नहीं, बस हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। खैर गणित में आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत है और टेक्निक भी लगाना है, लेकिन उसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल हमारा है आठवां, और ये प्रश्न कहता है a प्लस वन बट्टा ए इतना का स्क्वायर बराबर हमारा 3 है, तो कह रहा है कि a के पावर 30 प्लस a के पावर 24 प्लस a के पावर 18 प्लस a के पावर 12 प्लस a के पावर 6 प्लस 1, इसका मान क्या होगा? ऐसे सवाल को बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ता है, ऐसे सवाल का आंसर आपके जुबान पर रहना चाहिए, सीधा सीधा आपको देखिएगा, सुनिए, ट्रेन के डब्बा जैसे एकदम बड़ा बड़ा रहेगा, इधर लंबा लंबा लिखा हुआ, और ये जो पावर होता है ना हमेशा कोई सीरीज में रहेगा। जैसे देखिए 30 और 24 में 6 का अंतर, 24 18 में 6 का अंतर, 18 12 में 6 का अंतर, 12 6 में 6 का अंतर, और लास्ट में
या तो प्लस एक होगा या माइनस एक लगा हुआ होगा, ये बात पक्का है। तो आपको देखना है जोड़ा है कि नहीं, अगर जोड़ा है तो आंसर हुआ जीरो। देखिए दो गो का जोड़ा होता है तो जोड़ा में जीरो और बेजोड़ा में वन, यानी कि दुइये कंडीशन होगा, या तो इस सवाल में जोड़ा बन रहा होगा या जोड़ा नहीं बन रहा होगा। जोड़ा में जीरो और बेजोड़ा में वन, बेजोड़ा का मतलब जोड़ा नहीं बनना, बस आपको आंसर मारना है। लेकिन आप कहेंगे कि कैसे, ये तो गणित है, हमें प्रूफ करके बताइए कि ऐसा कैसे। अच्छा अपना मन से सवाल मत लिख लीजिएगा कि कैंसर के इलाज में बुखार के दवाई चलावे लगिएगा अपना मन से। इस सवाल कोई ना कोई फार्मूला में सेट है। सुनिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम दो हटा देते हैं पावर तो रूट चढ़ जाएगा, यानी a प्लस वन बट्टा ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना, तीन। अब अगर हम चाहें q में लाना, q में क्यों, क्योंकि पावर 30, 24, 18, 12, 6 है, पावर 3 से कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन पावर बड़ा है तो हम इसको बड़ा में ही सोचते हैं। लीजिए ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू का मान निकालते हैं, तो क्या करना होगा, इसका गुना, सॉरी इसका क्यू करना होगा और इसी में 3 से गुना करके प्लस है तक घटा देना होगा। ये भी हो गया 3√3 और ये भी 3√3। अब बताइए कितना हो गया, जीरो। यानी हमें ए क्यू प्लस वन बट्टा ए क्यू का वैल्यू पता चल गया है कि ये जीरो आया। अब यहाँ पर अगर काम आगे करते हैं तो ए के पावर 6 प्लस वन अब बट्टा में ए क्यू, बट्टा में ए क्यू अब बराबर क्या, जीरो। अब देखिए ये बट्टा वाला चीज बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी a के पावर 6 प्लस वन बराबर हो जाएगा जीरो। क्या इसमें और इसमें और इसमें क्या दिक्कत है, ये देखिए, देखिए यहाँ a के पावर 24 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें भाग देंगे a के पावर ये 6 बचेगा, अब प्लस इससे इसको भाग देंगे एक बार में प्लस। अब देखिए इसमें इसमें a के पावर 12 कॉमन ले लेंगे, इसमें भाग लगेगा a के पावर 6 और इससे इसमें भाग लगेगा प्लस वन, फिर प्लस, ये तो a के पावर 6 प्लस वन है ही। दोस्तों आपको पता है इसके बदले जीरो रखना है, a के पावर 6 प्लस वन का वैल्यू जीरो, इसके जगह जीरो, अच्छा इसके जगह जीरो, इसके जगह जीरो, क्या होगा, इससे जब इसमें गुना होगा तो जीरो प्लस, इससे जब इसमें गुना होगा जीरो से a के पावर 12 में तो जीरो प्लस, जीरो है ही, सब हो गया कितना जीरो। यानी जोड़ा में आ रहा है तो जीरो और बेजोड़ा में आ रहा है तो वन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिए सवाल, देखिए सवाल, एक्स प्लस वन बट्टा एक्स बराबर माइनस दो है तो इतना का मान क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। अगर ऐसे ही हम सोचे कि ये देखिए 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 पावर कोई सिस्टम में है 6 3, यानी 3 का अंतर है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जोड़ा और इसका कोई जोड़ा नहीं बना तो बेजोड़ा हुआ तो वन, ऐसे ही आगे लंबा लंबा रहेगा, ये तो थोड़ा छोटा भी है, अच्छा इधर का भी डिजिट चेंज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल को आपको देख लेना है, जोड़ा में जीरो बेजोड़ा में वन। अगला कंडीशन देख लेते हैं, अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू माइनस वन रख लेंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन यहाँ रखेंगे, यहाँ भी माइनस वन, माइनस वन माइनस वन मिलकर हो जाएगा माइनस दो। अब ये देखिए ये वन प्लस, ये माइनस वन का पावर 3 फिर प्लस, माइनस वन का पावर 6, दोस्तों ये वन प्लस ये हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस वन, काहे कि पावर सम संख्या है, तो ये गया अब एक हो गया, यानी माइनस में प्लस में जीरो तो एक हो गया, यहाँ बच गया। जमाने के देखे हैं रंग हजार, जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के, आके तू लग जा गले मेरे यार, आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके सामने है कि a प्लस बी बराबर हमें दिया है 5, और फिर कहा और a माइनस बी बराबर 3, तो पूछा हमसे
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, अगर ये वैल्यू नहीं होता, अगर ये वाला टर्म नहीं देता सवाल में, सीधा ए प्लस बी का वैल्यू 5 है, तो आप दुनिया का कोई भी संख्या ले सकते थे जिसको जोड़ने से 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर एक और वैल्यू दे दिया है, यानी डाटा एक से ज़्यादा दिया है, तो आपको ये दोनों कंडीशन को फॉलो करवाना होगा कि ऐसा कौन सा वैल्यू लीजिएगा कि जोड़ने से इतना और दोनों के घटाने से इतना हो जाए। आपके दिमाग में आ गया कि ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 1 ले लेंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 और 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 3। तो चलिए ए और बी का वैल्यू हमें पता, अब 4 के स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 16 1 हो जाएगा कितना हमारा 17। तो ये हो गया हमारे इस सवाल का आंसर। दोस्तों अब जब हम अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद किए थे तो उसका कहाँ यूज था, ये तो हमने आपको बता दिया मुरकटिया नियम है, मने मने जवाब देने वाला। देखिए ए प्लस बी बराबर 5, ए माइनस बी बराबर 3 है, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी मिल जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो इधर स्क्वायर अगर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, क्योंकि इतना का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, आई 5 के स्क्वायर हो गया 25। दोस्तों इसको भी स्क्वायर करके यहाँ लिख लेते हैं, तो इधर भी स्क्वायर हम कर दे और इधर भी स्क्वायर कर दे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ यहाँ माइनस मत लगा दीजिएगा, माइनस होता है 2ab में, अब बराबर हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए हमने क्या किया, इसका भी वर्ग करके लिख दिया, इसका भी वर्ग करके लिख दिया, क्यों किया, क्योंकि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो जब हम वर्ग करेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा है। देखिए 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 अब ये अगर जोड़ देते हैं दोनों समीकरण को, ये समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 हुआ, अगर जोड़ देते हैं 2ab माइनस में 2ab प्लस में 0 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुड़ेगा तो दो बार ए स्क्वायर दो बार बी स्क्वायर, दो बार ए स्क्वायर प्लस दो बार बी स्क्वायर बराबर, अरे 25 9 होता है 34 और 2 होएगा कॉमन ये देखिए 34, अब 2 से कटा 34 17 बार में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 हुआ कि नहीं। हम जल्दी से भागने वाले नहीं हैं कि जल्दी जल्दी कुछ पढ़ा के निकल ले, नहीं, देखिए इत्मीनान से पढ़िए, खूब अच्छे से सीखिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जब आप गणित में छोटा छोटा चीज़ सीखिएगा ना तो आपको बड़ा बड़ा सवाल सोल्व करने में बड़ा आसान लगने लगेगा। और हाँ कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं भी कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं, जिस टीचर का बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उससे पूरा पढ़िए, इससे क्या होगा कि आप आसानी से सीख पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमसे या किसी से कहीं भी पढ़िए, लेकिन जिसका बात आपको समझ में आ रहा है उससे पढ़िए। आइए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है 152, और कहता है कि ए प्लस बी की वैल्यू 8 है, तो हम लोगों से पूछा है कि ए बी का मान क्या होगा। अब देखो अगर आपको ये बात नहीं पता है कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है तो दिक्कत हो गया भैया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ये बात आपको आना चाहिए। हालांकि अगर आप बहुत बार याद किए और भूल गए कोई दिक्कत नहीं, इस बार इतना प्रैक्टिस हम कराएंगे कि आप नहीं भूल पाइएगा। आइए सबसे पहले ए प्लस बी के होल क्यू में यही चीज होता है ना, चलिए इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिखकर आपको बता देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है। अब a प्लस बी का मान हमको पता है 8, तो 8 का क्यू लिख दिए। अब बराबर सुनिए, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का भी मान पता है हमको 152, अब प्लस सुनिए 3ab, आ ए प्लस बी का मान तो हमको पते है 8 है,
8 का क्यू होता है 512, 152 आकर इधर घट गया, तो भैया इधर बच गया 8 3 24 ए बी। अब इसको घटा देते हैं, घटने के बाद ये हमारा हो गया 360 बराबर 24 ए बी। लीजिए 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30 बार में 2 से कटा 15 बार में, यानी 15 आ गया हमारा ए इंटू बी का मान। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? तो देखिए, जब आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दिया 152, फिर ए प्लस बी का मान दे दिया 8, ए इंटू बी का मान पूछ लिया, हमें जब फार्मूला याद रहता है ना दोस्तों, तो हमें समझ में आता है कि क्या क्या दिया हुआ रहेगा, क्या क्या निकलेगा। ए प्लस बी का मान दिया, इसका मान दे दिया, इसका मान तो पते है, बस इसका मान निकल गया। तो इसमें से कुछ डाटा देगा और कोई एक डाटा आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको फार्मूला इसलिए याद रखना है अच्छे से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन को कि जुल्फों के साए में जीना है मुझको, दिल की पनाहों में रखूंगा तुझको। एक क्वेश्चन है इस टाइप को, जरा दिमाग में बसा लीजिएगा, ठीक है ना? ये बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, ए प्लस सी अबट्टा में कितना है बी, इसका मान क्या होगा। चलिए इसको अपने दिमाग में थोड़ा सा बसा लेना है कि ऐसा जब भी होता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, या ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर रहेगा एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे रहेगा, या देगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर देगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू, ऐसे देगा। तो आपको इस फॉर्म को समझ जाना है कि इसमें ना ये मान आपस में बराबर होता है, ये सब मान आपस में बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद उधर कुछ भी तरह से पूछ लेगा, उधर तरह तरह के बहाने बनाएगा, ऐसे बताओ वैसे बताओ। तो सुनो, यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी रहेगा, कोई भी ए बी सी जब आपस में बराबर होगा ना तो ये हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो ए का मान 2 ले लेते हैं, बी का मान 2 ले लेते हैं, सी का मान 2 लेते हैं, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर 2 गुने 2, कहे कि दोनों का मान 2 2 ले रहे हैं तो 4, फिर देखिए 2 गुने 2 4, फिर 2 गुने 2 4, तो इधर भी 12 उधर भी 12 हुआ ना। एक एक ले लीजिए, तीन तीन ले लीजिए, पाँच पाँच ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उसी तरह अगर कोई भी मान हम रख देते हैं तो सब के लिए तो बराबर मान ही रखना होगा, तो अगर 2 2 लिए तो सब जगह 2, ऊपर हुआ 4 4 बटा 2, हमारा आंसर कटकर कितना आ गया 2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसमें एक्स वाई जेड करके भी दे सकता है, पी क्यू आर पर भी दे सकता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना, एक्स वाई प्लस वन, तथा कहता है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक है, तो कहता है x माइनस वाई का मान क्या होगा। दोस्तों है तो सवाल हमारा क्यू वाला, स्क्वायर वाला भी चर्चा है। आपको एक बात याद है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है दोस्तों, इधर सब प्लस होता है। इस फार्मूला को आपको याद रख लेना है, अलजेब्रा में कुछ फार्मूला है जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। अब इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो काम हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए, आगे आपको काम देने वाला है, एक दो बार लिखिएगा आपको याद हो जाएगा। देखिए टीचर को ये सारा बात याद इसलिए रहता है ना कि टीचर बार बार सवाल बनाता है, आप उतना बार नहीं बनाते हैं जिस वजह से आपको याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि हम कोई दूसरे ग्रह से आ गए हैं, बात करते हैं कि याद नहीं होगा। सुनिए अब इसको एक बात देखिए, इसका स्क्वायर किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं। आई प्लस एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई, और चलिए बराबर वन ही रहने देते हैं।
सब एक्स वाई वाला को एक तरफ कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टू एक्स वाई में से एगो एक्स वाई गया तो एक्स वाई प्लस में बचा बराबर वन हुआ। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू था तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, तो एक्स माइनस वाई जैसे ए माइनस बी लिखे, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं, अब बराबर हमारा वन है। चलिए अब x माइनस वाई ये हुआ और इतना के वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू वन है तो यहाँ वन रख दिया बराबर वन, यानी x माइनस वाई ये एक से एक को एक के बार में ना काटेंगे, यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारा एक आ गया। दोस्तों हम आपको क्या सिखा रहे हैं, एक फार्मूला पर ए प्लस बी का होल क्यू ए माइनस बी का होल क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर कैसे कैसे सवाल आपसे पूछेगा, सीधा सीधा नहीं रहेगा, घुमा घुमा के रहेगा, ये सारे सवाल हम आपको करवा रहे हैं। तो देखिए देखिए सीखिए, बहुत कुछ सीखने वाला है आपके लिए धीरे धीरे, और मेरा मकसद कोई तेज स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं रहता है, मेरा मकसद होता है कि उसको सिखाना है जो सीखना नहीं चाहता है, जो समझता है कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे होगा ही नहीं। आइए अगला क्वेश्चन, अब कुछ अलग टाइप देख लेते हैं, x माइनस पाँच का होल स्क्वायर प्लस, ये भी टाइप खूब फेमस है, आइए हम सारा टाइप करवाएंगे, हमको पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या बात आ रहा होगा, जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अभी बहुत नहीं हुआ है, 15 को वीडियो बनेगा लगभग, सुनिएगा। तो पूछ लिया हमसे एक्स प्लस वाई और माइनस जेड का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता है जोड़ में ना, ये देखिए तो जोड़ है, जोड़ का चिन्ह है, ये जोड़ में जीरो तभी होगा जब जीरो और जीरो और जीरो ही जोड़िएगा, चाहे जितना जीरो जोड़िए जीरो ही आएगा, ये तीन बार चार बार पांच बार जोड़िए, जोड़ में जीरो के साथ कोई भी एक संख्या को जोड़ लीजिएगा तो वो जीरो नहीं आएगा, मान लीजिए एक आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसमें अगर दो जोड़ दीजिएगा तो दो आ जाएगा। दोस्तों याद रहे कि अगर अगर इन सभी का योग दिया हुआ है जीरो, मतलब इन हर पद का वैल्यू जीरो के बराबर है, तभी तो इसका वैल्यू जीरो रहा होगा प्लस इसका भी वैल्यू जीरो रहा होगा प्लस इसका भी वैल्यू जीरो रहा होगा, तब तक जोड़ के जीरो हुआ, जीरो में और कोई संख्या जोड़ने से जीरो नहीं होगा। आपको याद रहे जीरो में ना तो कुछ जोड़ने से जीरो होगा ना घटाने से, जीरो में जीरो ही जोड़िएगा तो जीरो होगा, ध्यान दे। यानी हमारा एक बात पता चला कि x माइनस पाँच के होल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर, उसी तरह y माइनस दो का होल स्क्वायर का वैल्यू भी जीरो के बराबर ही होगा और z माइनस नाइन के होल स्क्वायर की भी वैल्यू जीरो के बराबर, इसलिए तो तीनों जीरो को जोड़ेंगे तो बराबर जीरो हो जाएगा। ये टर्म पकड़ना है आपको कि इनके वर्गों का योग जीरो देगा, क्यों करके जीरो देगा, कुछ भी रहे, यानी जोड़ जोड़ के जीरो दिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा एक बात। अब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, x माइनस पाँच बराबर रूट अंडर जीरो, x माइनस पाँच बराबर जीरो क्योंकि जीरो का वर्गमूल, अब x की वैल्यू पाँच। दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज सीखने को मिलेगा, x माइनस पाँच का होल स्क्वायर था, यहाँ माइनस था तो इसका रिजल्ट क्या आया, x के वैल्यू पाँच आया प्लस में, y के वैल्यू क्या आएगा प्लस में दो, और z के वैल्यू क्या आएगा प्लस में नाइन, क्योंकि अगर माइनस में है तो प्लस में आया x के वैल्यू, यही दो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा जीरो का वर्गमूल जीरो, और माइनस दो उधर जाएगा तब प्लस दो, उसी तरह इसका भी हो गया। बस इसका आंसर निकालो, आंसर निकालो, आप यहाँ रख लोगे क्या रखोगे, ये पाँच प्लस दो माइनस नौ, पाँच आ दो सात, सात में से नौ गया तो माइनस दो हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आसानी से आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, कुछ और सवाल देखते हैं। दोस्तों अब ऐसे सवाल के लिए इतना टाइम नहीं देना होगा, ऐसे सवाल अब कितना देर में बनेगा जानते हैं, हैं देखिए ना कितना देर में बनेगा, भागिएगा नहीं, बनेगा x माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस z माइनस फाइव का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो पूछ लिया हम लोगों से कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए, बस स्क्वायर स्क्वायर करके जीरो दे दिया है, इसका x का वैल्यू प्लस में तीन रहेगा, y का वैल्यू चार रहेगा और जेड का वैल्यू
पाँच रहेगा, सब प्लस में, अगर माइनस में है तो प्लस में आएगा, प्लस में देगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए, सबको जोड़ना है, तीन प्लस चार प्लस पाँच, तीन चार सात पाँच बारह हमारा आंसर हो गया। आइए, आ रहा है ना समझ में, समझ में आ रहा है, आइए अगला देखते हैं। एक सवाल आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि आप बना पाइएगा। क्वेश्चन है कि x माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस z माइनस फाइव का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो सॉरी ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, अभी आपका जो क्वेश्चन चलेगा, हम बताइए a प्लस बी बराबर दस है और a इंटू बी बराबर इक्कीस है, तब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। आइए बनाइए ज़रा दोस्तों, ऐसे सवाल में कोई दो संख्या आपको ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है कि इनका गुना करने से, सॉरी जोड़ने से 10 हो जाए और वही दोनों संख्या को गुना करने से 21 हो जाए, तो आप 7-3 ले सकते हैं, 7 और 3 ले सकते हैं, 7 3 10 7 21, 7 में से 3 घटा दीजिएगा, 7 में से 3 4, 4 के स्क्वायर 16 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे करिए, a माइनस बी का वैल्यू पता कर लीजिए। कैसे पता करिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो प्रोसेस इसका ये है कि आपके दिमाग में आना चाहिए a प्लस बी है, a इंटू बी है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला खेला है। तो सबसे पहले इसका अगर स्क्वायर कर लेते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, हाँ 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर ये हो गया 100। दोस्तों हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 गुना ab का वैल्यू कितना है 21 बराबर 100, 21 दुना 42 हुआ। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 42 उधर जाके घट गया, कितना बच जाएगा 58, ठीक है। अब एक काम करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान निकाल लेंगे, वही बात ना है। आइए इतना का वैल्यू तो हमें पता चल गया है कितना 58, माइनस 2 गुना ab का वैल्यू हमको पता है कितना 21, बताइए 58 में से 21 दुना 42 घट जाएगा, हमारा 16 आंसर तो आ जाएगा, हो गया ना। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे 7 आप 3 ले लेते, 7 3 10, 7 में से 3 घटता 4, 4 का स्क्वायर 16 आंसर आ जाता। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा क्लास। और हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहेगा, आप आसानी से गणित को सीखते रहेंगे। दोस्तों अगर आप मेरा पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, धुरीना ऐप पर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर पढ़ना चाहते तो यहाँ पढ़िए, मैं इसलिए बता देता हूँ, वहाँ पर लाइव टेस्ट भी चलता है और जो भी जानकारियाँ होता है मैं आपको यहाँ पर बताते रहता हूँ। तो जब आप कंटिन्यू वीडियो यहाँ देखेंगे यूट्यूब पर, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।